हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रताप चंद, इंटरनेशनल इनलाइन स्केटिंग सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी समय से मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वीडियोस नहीं डाले। लेसन वन और लेसन टू मैंने अपलोड किया था काफ़ी समय पहले, तो आज मैं लेसन थ्री लेकर आया हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आप स्केच पहनते हैं। अगर आप बिगिनर हो और अभी शुरू करना चाहते हो, स्केटिंग सीखना चाहते हो अभी से, तो लेसन वन और फिर लेसन टू पे जाइएगा। ये लेसन नंबर थ्री है। लेसन वन और लेसन टू की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, वहाँ से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो। और एक बात ये है कि गाइस, बहुत से सवाल ऐसे भी आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरी उम्र 25 है, 30 है, 40 ईयर्स का हूँ, क्या अभी मैं स्केटिंग सीख सकता हूँ? तो गाइस, उसका एक ही जवाब है मेरे पास कि आप किसी भी उम्र में स्केटिंग सीख सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो और इस वीडियो से आप सीख रहे हो, तो स्केट्स आपको टाइट से, मतलब कम्फर्टेबल हो उतनी टाइट से पहननी है, ज़्यादा लूज़ नहीं पहननी है। और दूसरी बात, सेफ्टी गेयर्स पहनने गाइस, नी पैड, एल्बो पैड और रिस्ट गार्ड, सेफ्टी गार्ड्स पहन के प्रैक्टिस करना, और हेलमेट ज़रूरी है, बिना हेलमेट के प्रैक्टिस नहीं करना है। चलिए अब लेसन नंबर थ्री शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने स्केटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ऑनलाइन भी आप स्केटिंग सीख सकते हो। अगर ऑनलाइन आप स्केटिंग सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, pratap_sk8। वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन भी स्केटिंग सीख सकते हो। दोस्तों, लेसन नंबर थ्री में मैं आपको तीन स्किल बताने वाला हूँ, तीन ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्केटिंग मूवमेंट जो है, जो स्पीड जो है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, स्टेप नंबर वन से शुरू करते हैं। स्टेप वन में आपको क्या करना है कि आपका लेफ्ट नी पकड़ना है दोनों हाथों से अपना लेफ्ट नी, लेफ्ट घुटना पकड़ना है। फिर आपको राइट लेग से पुश करना है, लेफ्ट लेग ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ राइट लेग से पुश करके आगे की ओर जाना है। पुश एंड क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज। अभी पीछे से देखिए एक व्यू, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज। तो गाइस, ये है स्टेप नंबर वन। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे से सही से देख लीजिए आप। आपको अपना लेफ्ट नी पकड़ना है, लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ना है, और राइट लेग से सिर्फ पुश करना है। पुश करने के बाद पैर को उठा के बाजू में रखना है, और जो लेफ्ट नी आपने पकड़ा है उस पैर को आपको ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ राइट लेग से आपको पुश करना है। तो चलिए मूवमेंट करके दिखाता हूँ। वन क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज। तो लेफ्ट नी को पकड़ के आपको राइट लेग से पुश करना है, फिर पैर ऊपर उठा के बाजू में रखना है। अगेन पुश, पैर ऊपर उठाओ, आगे रखना है। नीज को आपको बेंड रखनी है, दोनों नीज आपको बेंड रखनी है, फिर पैर लिफ्ट करके क्लोज करना है। बैक आपका स्ट्रेट रखना है, बैक ऐसे बेंड नहीं करना है, नीचे नहीं देखना है, जब भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो आगे देखना है, बैक स्ट्रेट और पुश देन क्लोज। पुश कीजिए, फिर पैर लिफ्ट करके लेफ्ट लेग के बाजू में रखना है। तो धीरे धीरे दोस्तों, आपको स्पीड बढ़ानी है, जितने ज़ोर से पुश करोगे और जितना दूर पुश करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी गाइस। तो जब तक आपका नी स्ट्रेट नहीं होता तब तक आपको पुश करना है, पुश एंड क्लोज, पुश क्लोज, ऐसे ही पुश करना है, क्लोज, पुश एंड क्लोज। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है इसकी। तो दोस्तों, अगर आप लेफ्ट साइड टर्न कर रहे हो तो लेफ्ट नी पकड़नी है और राइट लेग से पुश करना है, लेफ्ट लेग ऊपर नहीं उठाना है। जैसे कि अभी मैं लेफ्ट साइड टर्न करूँगा तो मैंने लेफ्ट नी पकड़ी है और लेफ्ट नी ऊपर नहीं उठानी है, सिर्फ राइट लेग से पुश करना है। स्टेप नंबर वन में जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप लेफ्ट लैप कर रहे हो, लेफ्ट साइड राउंड्स कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट नी पकड़नी है और राइट लेग से पुश करना है। तो दोस्तों, ये था स्टेप नंबर वन। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर टू की। तो स्टेप वन में आपने क्या किया कि अपना लेफ्ट नी पकड़ा और राइट लेग से पुश किया। अभी आपको अपना राइट नी पकड़ना है। स्टेप नंबर टू में राइट नी पकड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, फिर लेफ्ट लेग से पुश करना है। पुश करके सिर्फ क्लोज रखना है, पैर को उठा के बाजू में रखना है राइट नी के।
राइट नहीं पकड़ना है, लेफ्ट लेग से पुश करना है एंड क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज। तो दोस्तों हमारे साथ सावन भी है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे जाना है। 1 2 3 4 दोस्तों स्टेप नंबर 2 में जैसे आप देख रहे हो राइट नी आपको पकड़नी है और लेफ्ट लेग से पुश करके पैर को ऊपर उठा के बाजू में रखना है, राइट स्केट के बाजू में रखना है। तो ऐसे ही आपको स्केट करना है, राइट नी जो पकड़ी है उसको ऊपर नहीं उठाना, राइट लेग ऊपर नहीं उठना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट लेग से पुश करना है, ऊपर उठा के बाजू में रखना है। तो ये स्टेप नंबर 2 है। जैसे ही आपको ये कंफर्टेबल हो जाए तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, राइट नी पकड़ के स्पीड से स्केट करना है, पुश 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 बैक, आपकी इसमें स्ट्रेट रखनी है, आगे की ओर देखना है और नी बेंड रखनी है। नी स्ट्रेट रख के आप पुश नहीं कर सकते, ऐसे आपको पुश नहीं करना है। नी स्ट्रेट रख के आप ऐसे पुश करोगे तो ये रॉन्ग मेथड है, नी को बेंड रखनी है फिर पुश करना है। 1 2 1 2। तो दोस्तों जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो इस पुश से तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और फास्ट से स्केट करना है अपनी नी पकड़ के। तो ये हुआ स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों नी पकड़ने हैं, राइट और लेफ्ट। दोनों नी पकड़ने के बाद आपको दोनों पैर से पुश करना है, पहले राइट लेग से पुश करना है, पुश करने के बाद क्लोज बाजू में रखना है, फिर लेफ्ट लेग से। मूवमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे आपको मूव करना है। पुश विथ योर राइट लेग एंड क्लोज, फिर लेफ्ट क्लोज, राइट लिफ्ट अप एंड क्लोज, लेफ्ट अप एंड क्लोज, राइट पुश क्लोज। तो दोनों नी पकड़ के आपको जाना, नी टाइट से पकड़नी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही हाथ रख लो, आप नी को पकड़नी है और पुश करना है। पुश विथ योर राइट लेग देन लिफ्ट अप एंड क्लोज, लिफ्ट क्लोज, पुश लिफ्ट अप क्लोज। दोस्तों इसमें जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है, फास्ट से मूव करना है अभी, ठीक है। पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज, पुश क्लोज। तो दोस्तों ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी। इस लेसन को अगर आप 15 दिन तक सही से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैंने 3 स्किल्स बताया उसको, तो 15 दिन के बाद आप जो इससे पहले स्केटिंग कर रहे थे उससे 2 या 3 गुना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और आपका बैलेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा इस प्रैक्टिस से। तो दोस्तों ये थे लेसन नंबर 3 के 3 टिप्स। फर्स्ट टिप जो था वो था लेफ्ट नी आपको पकड़नी है और राइट लेग से पुश करना है। सेकेंड टिप जो था उसमें आपको राइट नी पकड़नी है और लेफ्ट लेग से पुश करना है। थर्ड स्टेप में आपको दोनों ही नी पकड़नी है और 1 by 1 राइट और लेफ्ट दोनों से पुश करके पैर को बाजू में रखना है। इसे आपको 15 दिन तक प्रैक्टिस करना है गाइज, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो गाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये लेसन नंबर 3 है। अगर आप बिगिनर हो और स्केटिंग सीखना चाहते हो, और बड़ी बात ये है कि गाइज ऐसी कोई इसमें एज कैटेगरी ये नहीं है कि 10 साल का बंदा सीख सकता है, 15 साल के बच्चे सीख सकते हैं या 5 साल के सीख सकते हैं, कोई भी स्केटिंग सीख सकता है। आप भले 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो या 50 साल के हो, हमारे लेसन नंबर 1 को आप पहले फॉलो कीजिए अगर आप बिगिनर हो तो। उसमें बेसिक से आपको बताया गया कि कैसे आपको बैलेंस फ्लोर पे बैलेंस मिलेगी। अगर बिगिनर हो तो स्टेप नंबर लेसन नंबर 1 फॉलो कीजिए, फिर लेसन 2 पे आइए और ये लेसन नंबर 3 है। इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 4 अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम आपकी स्पीड को, बैलेंस को और कैसे आप टर्न कर सकते हो, अगले लेसन में आएंगे कि कैसे आप स्केटिंग पे स्टॉप भी कर सकते हो। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस तरह की वीडियो स्केटिंग रिलेटेड देखना चाहते हो। दोस्तों हमने काफ़ी सारे व्लॉग्स भी किए हैं, स्केट्स पे स्केट्स पहन के हम लोग बाहर रोड पे एक्सप्लोर किए हैं, वो वीडियोज़ भी आप हमारे यूट्यूब चैनल में चेक कर सकते हो, स्केटिंग ऑन इंडियन रोज। और काफ़ी सारे स्केट्स के मैंने रिव्यू भी बनाए कि कौन सा स्केट कैसा है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है और हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो गाइज स्केटिंग रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्रताप_SK8। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, कीप रोलिंग।